हे भगवान, मैं तो चलते चलते थक ही गई। ये मेरे पति सब्जी लेने खुद नहीं आ सकते थे क्या, जो मुझे भेजा? अरे बहन जी, आपकी सब्जियां गिर गई। इतनी दूर अब मैं इन सब्जियों को नहीं ले सकती। रहने देती हूँ, मैं थक जो गई हूँ। अजीब औरत है। मैंने तुझे सब्जी लेने भेजा था ना, तो कहाँ है सब्जियाँ? पक्का तू सब्जी लेने तो गई नहीं होगी, आलसी तो है ही तू। मैं आलसी नहीं हूँ, मैंने जाके सब्जी खरीदी और मैं लेकर आ रही थी, पर तभी मेरे हाथ से सब्जी की थैलियाँ छूट गई और नीचे गिर गई। नीचे गिर गई? फिर क्या, मैं इतना चल के थक गई थी ना, तो मुझसे सब्जी की थैलियाँ उठी ही नहीं गई, तो मैंने वहीं छोड़ दी और मैं बड़ी मुश्किल से चल के यहाँ तक आई। बाप रे, मैं तो थक ही गई, अब मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। कैसी औरत है ये, सब्जी लेके आई पर गिर गई और उठा ही नहीं। अब मुझे लेने जाना पड़ेगा। और करिश्मा भाभी कैसे हो? ये लो, ये यहाँ कहाँ आ गए? वो मेरे घर की लाइट चली गई थी ना, तो मैं यहाँ आ गई। हाँ, आइए ना पूजा भाभी। करिश्मा चल जल्दी से इनके लिए चाय बना दे। हाँ, मैं चाय बना देती हूँ। नहीं, रहने दीजिए आप। रहने दो, ठीक है। अरे नहीं, बना दे। हाँ, बनाती हूँ चाय। नहीं, चलेगा, ठीक है। करिश्मा बना दे। हाँ। अरे भाभी आप तकलीफ मत करिए। तकलीफ नहीं करूं, ठीक है। अरे करिश्मा जाके चाय बना। हाँ जा रही हूँ बनाने। पूजा भाभी, मैंने गैस पे पतीला चढ़ा दिया है, आप अदरक वाली चाय पीते हो या मसाले वाली? अरे आप तो चाय रहने दो, मैं जस्ट पीकर ही आई हूँ। नहीं, ऐसे थोड़ी चलेगा। आप कहो तो मैं कोल्ड ड्रिंक लेने जाऊँ क्या? अरे आप प्लीज रहने दीजिए ना। नींबू पानी? इनको मैं तकलीफ नहीं देना चाहती, एक काम करती हूँ चली ही जाती हूँ। अरे पूजा भाभी, मेरा प्लान सक्सेस हुआ। सुधर जा, घर पे कोई भी आया मेहमान भगवान समान होता है, तू एक कप चाय भी नहीं बना सकी, इतना आलसीपन। अरे मैं जरूरी काम निपटा लेता हूँ। अरे ये पैसे तो रखना ही भूल गया। करिश्मा पैसे रख देना ना, मैं जरूर काम से बाहर जा रहा हूँ। हाँ आप वहां रख दीजिए ना, मैं रख लूंगी अंदर। हाँ ठीक है, याद से रख देना, मुझे ये पैसे मेरे फ्रेंड को लौटाने हैं। हाँ, अरे करिश्मा भाभी, अरे मैं तो भूल ही गई थी वो पैसे। अरे कहाँ गए वो पैसे? यार टीवी के पास ही तो पड़े थे पैसे, और दरवाजा भी खुला हुआ है, कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर लिए? मैं जाके देखती हूँ। अब मैं उनको क्या जवाब दूंगी? अरे क्या हुआ, तू इतनी टेंशन में क्यों है? वो आप जो पैसे यहाँ रख के गए थे
वो अब यहाँ नहीं है। क्या पैसे नहीं है? तूने रखे ही नहीं होंगे तभी नहीं है। तेरी इस आलसी आदत की वजह से देख आज हमें कितना बड़ा नुकसान हुआ है। मैं ही पागल हूं जो पैसे तुझे देकर गया। इतना नहीं समझ पाया जो एक कप चाय नहीं पिला सकती वो पैसे क्या संभालेगी। अब मैं क्या जवाब दूंगा अपने दोस्त को? मुझे उसे पैसे वापस लौटाने थे, अब पैसे कहां से लाऊंगा? आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ और आगे से मैं कभी किसी काम में आलस नहीं करूंगी। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ? आप दोनों इतना टेंशन में क्यों हो? वो क्या है ना, ये यहाँ पे पैसे। अरे ये क्या पैसे, तो ये रहे। अरे हाँ ये रहे पैसे। अच्छा हो ये पैसे मिल गए, वरना मैं इनकी भरपाई कैसे करता। हाँ भगवान जी का लाख लाख शुक्र है कि पैसे मिल गए। चलो अच्छा हुआ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चलो तो अब मैं चलती हूँ। अरे पूजा भाभी आप बस चाय पी के जाइए, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है।